आज हम बनाएंगे पनीर लबाबदार। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैन में रिफाइन डालेंगे, फिर उसमें दालचीनी, लौंग और जीरा पाउडर डालेंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसमें कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, इसको थोड़ा सा चलाएंगे। फिर इसमें थोड़ा काजू डालेंगे। इसको थोड़ा 10 मिनट के लिए ढक देंगे, टमाटर नरम हो जाए तब तक इसको ग्राइंड मिक्सी में पीस देंगे। उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। फिर पैन में बटर डालेंगे 1 स्पून, अदरक पिसा हुआ या चॉप किया हुआ और कसूरी मेथी डालेंगे। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, गरम मसाला और दालचीनी पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे उसको। उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि आगे भी नमक हमको डालना है। उसको भून लेंगे। फिर जो पेस्ट हम लोगों ने टमाटर का और काजू का तैयार किया था उसको डालेंगे, ऐड कर देंगे उसमें। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें दालचीनी पाउडर हल्का सा, फिर लाल मिर्च पाउडर, फिर इसमें धनिया जो भुना हुआ जीरा पाउडर डाल के मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें नमक डालेंगे अब अपने स्वाद अनुसार, क्योंकि पहले भी हम नमक डाल चुके हैं उसके हिसाब से डालेंगे। अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पका लेंगे। फिर से क्रीम हो तो क्रीम चलेगा, नहीं तो घर की मलाई को थोड़ा सा ग्राइंड कर ले फिर इसको डाल दें। उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले से पनीर को जो हम लोग काट के रखे हैं उसको मिक्स करेंगे, उसको भूनेंगे नहीं, वैसे ही मिक्स करना है, इसमें भूना नहीं जाता पनीर। 10 मिनट को लो फ्लेम पे उसको पका लेंगे ढक के, लीड लगा के। ये देखिए, ये हमारा पनीर लबाबदार तैयार है। अब इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे।